इस ऑटोमोटिव स्टॉक में दिखेगी 40 रुपए की बढ़त। जानते हैं डीलिंग रूम्स में आज डीलर्स ने किन शेयरों पर लगाया दाव। निफ्टी आज 18,650 के ऊपर निकल गया, जबकि बैंक निफ्टी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाता हुआ दिखा। वही मिड कैप शेयर ने आज आउट परफॉर्म किया। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1% ऊपर चढ़ गया, जबकि छोटे सरकारी बैंकों की बढ़त जारी दिखी। आईटी, रियल्टी और एनर्जी शेयरों में तेजी दिखी। इंश्योरेंस और फाइनेंस कंपनियों के शेयर भी दौड़ते नजर आए हैं। ऐसे में बताते हैं आपको डीलर्स के आज के दो खास स्टॉक्स। भारत फोर्ज। डीलर्स का कहना है कि एनालिस्ट मीट के बाद इस स्टॉक में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। डीलर्स ने यह भी बताया कि इस काउंटर में आज घरेलू फंड्स ने जोरदार खरीदारी की है। डीलर्स को लगता है कि इसमें 940 से 950 रुपए के स्तर देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब है कि इसमें वर्तमान स्तर से 30 से 40 रुपए की बढ़त देखने को मिल सकती है। आरबीएल बैंक। दूसरे स्टॉक के रूप में डीलर्स ने प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक में अपने क्लाइंट्स को खरीदारी करने को कहा है। डीलर्स के मुताबिक आज आरबीएल बैंक के ट्रेड में एचएनआईज बायर्स द्वारा खरीदारी देखने को मिली है। डीलर्स को लगता है कि इसमें 175 से 180 रुपए के पोजिशनल टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, आज दिसंबर सीरीज के लिए इसमें ताजा खरीदारी देखने को मिली है। सीएनबीसी आवास पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन दो स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपने क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी। डीलर्स ने आज कौन से शेयर खरीदे और बेचे हैं और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं? इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दाव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है, आज निवेशक किस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं या किसमें निवेशकों को बिकवाली करनी चाहिए, बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी गई है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो, में आज हम बातचीत करने वाले हैं कॉफी के बारे में। दरअसल कॉफी जो मार्केट है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट है और इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, दुनिया भर में करीब करीब 225 करोड़ कप कॉफी के रोज कंज्यूम होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इन 225 करोड़ कप्स में से करीब करीब 51.7 करोड़ या फिर 52 करोड़ मोटा मोटा आप मान लीजिए, जो अमेरिका के अंदर हर रोज कंज्यूम किए जाते हैं। दुनिया भर की कुल आबादी का करीब करीब 30 से लेके 40% हिस्सा जो है वो कॉफ़ी पीता है। तो इस तरह का वाइडली ड्रिंक होने वाला ये एक प्रोडक्ट है, इसको हम कॉफ़ी के नाम से जानते हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में, करीब अमेरिका की कुल आबादी का 65% हिस्सा जो है वो कॉफ़ी कंज्यूम करता है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इतनी यानी 65% आबादी वहाँ का टैप वाटर यूज़ नहीं करती, उससे ज़्यादा वो कॉफ़ी यूज़ करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था ये। इसके अलावा पर कैपिटा कंजम्पशन जो इंडिया का है वो है 300 ग्राम। तो आप शायद ये जान के हैरान होंगे कि 300 ग्राम कॉफ़ी पर कैपिटा में इंडिया में कंज्यूम कर ली जाती है। तो आपको एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा ये बता देता हूँ कि एशिया का पर कैपिटा कॉफ़ी कंजम्पशन जो है वो करीब करीब 2 किलो है। तो उसके सामने भारत का पर कैपिटा कंजम्पशन अभी महज 300 ग्राम है। और इतना ही नहीं, दुनिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाले कॉफ़ी जहाँ पर कैपिटा कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है वो है फिनलैंड। करीब करीब 9.2 या फिर अगर कह लीजिए 10 किलो के आसपास का कॉफ़ी कंजम्पशन पर कैपिटा है वहाँ पर, जिसके सामने इंडिया का पर कैपिटा कंजम्पशन महज 300 ग्राम के आसपास है। तो एक बहुत ही बड़ा स्कोप इंडियन कॉफ़ी मार्केट के अंदर आपको ज़रूर दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा भारत में करीब करीब 99.7% कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है वो महज 4 स्टेट्स के अंदर होता है, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ये वो 4 स्टेट हैं जो भारत के कुल कॉफी प्रोडक्शन का करीब 99.7% हिस्सा प्रोड्यूस करते हैं।